करूंगी, मैं सोचूंगी इस पे. आपको 2.4.1 एपिसोड करना पड़ेगा इसके फॉलोअप के लिए. बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट के साथ स्टडीज. अच्छा, मुझे फर्स्ट ईयर मुझे किसी ने देखा तो फिर नहीं देखा. फिर नहीं देखा. फर्स्ट ईयर में किसी ने देखा फिर मुझे 12वीं क्लास में सेकंड ईयर में उन्होंने कहा पढ़ाई कर लो, तो मैंने कहा जी कर लेता हूँ. क्या पढ़ा लगा, तब तक मैं स्टार बन चुका था. मैं 99 के वर्ल्ड कप खेल चुका हुआ था, मैं आगे निकल चुका हुआ था. तो उसके बाद मैं कॉलेज गया तो मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच गाइस, लिसन पढ़ाई तुम लोगों के लिए, मेरे लिए ना दुनिया ज़रा फर्क है. अगले महीने इंजर्ड, टीम से बाहर, बैक टू द स्क्वायर वन. पूरे दो के साथ समोसे वही पकौड़े, मुझे माफ कर दिया. थोड़ा सा एटीट्यूड आ ही जाता है, लेकिन मुझे माफ कर दो. आपके साथ वो कौन सा बेस्ट मोमेंट था जुड़िया, जहाँ पे आप यू फील वेरी प्राउड? एक तो पाकिस्तान खेलना, ये तो वेरी प्राउड मोमेंट ना कि आप बिकेम अ स्टार ऑफ पाकिस्तान. बट अगेन उसके अलावा कौन सा ऐसा मोमेंट कहते हैं यार दिस इज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ? एक तो मैं आई थी एज अ प्योर ऑफ स्पिनर. ओके. लेकिन आईसीसी डिडंट लाइक माय एक्शन. ओके. तो मैं बैन हो गई. ओके. लाइक मी. फिर वो जो ट्रांजिशन था वो मेरे लिए बहुत टफ था, और फिर वहां से एक ओपन बैटर बनना, उस फेज पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने कि जिस तरह से मैंने जिस तरह आप लड़ी हो. हाँ, क्योंकि बैटिंग नहीं आती थी, तो फिर वो सीखना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना, उसको करना, फिर एक प्योर बॉलर से बनने का. और उसके बाद इट वाज माय मदर हु टोल्ड मी कि इस टाइम के लिए तुमने सीए छोड़ा था, तो शी मोटिवेटेड मी. तो वहां से फिर मैं शुरू हुई. तुमने सीए छोड़ा है, अब तो तुम खेलो. अब तो खेलो. पठान दिमाग टर्न ऑन, चलो जी लग जाओ. मैं इसको ठीक भी पठान दिमाग ही कर सकता है, ये ऐसे नहीं संभलती. पठान जीनियस भी होते हैं. जीनियस ही होते हैं. भी ठीक है. मेरे ख्याल में दुनिया की मोस्ट टैलेंटेड कौन, पठान है या बंगाली से? मेरे ख्याल में बहुत ही टॉप क्लास के. इस बात ने साबित कर दिया बहुत लाइक है. अगर ये थॉट है आपके तो आप मेरी थॉट भी है. आपने भी बंक फिर इसी वजह से किया. इट्स ओके, आई गॉट इट नाउ. नहीं, मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अंदर से खुद पठान हूँ. थोड़ा नहीं यार. यार नहीं, मैं इंटेलिजेंट भी तो हूँ ना यार. अच्छा मुझे बताओ, बैट्समैन को आउट करना हो तो इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है ना? मुझे स्टडी करना पड़ता था, मुझे डराना पड़ता था. खाली ओरा ओरा तो नहीं था ना यार, स्टडी भी तो करना. आके बॉल थोड़ी फेंकनी है. थोड़ी बॉल थोड़ी फेंकनी है. बट एनीवेज, बट मुझे ये बताइए कि व्हेन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, आपने कभी झगड़ा किया इस बात पे? और करना भी चाहिए था आपको, मेरा ये ख्याल है. सवाल है यार, हमारी सैलरी इनसे क्यों कम है? बिल्कुल, हमें तो सैलरी मिलना ही. मुझे तो सैलरी मिली नहीं ना कभी. मैंने 2004 से खेला 2010 तक. ओके. मुझे तो कोई सैलरी नहीं मिली क्योंकि उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स थे. अच्छा, और वजह क्या होती थी इस चीज? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक विमेंस क्रिकेट को बोर्ड ने ही उतना सीरियसली लिया था, उतनी वैल्यू नहीं दी गई थी विमेंस क्रिकेट को. आई कैन अंडरस्टैंड. और कहते क्या थे वहाँ तक तो, और विमेंस क्रिकेट दूर भी इतना होता था कि किसी तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाता और था. आप तो गैस करें हमारी डेली 2010 में कितनी होगी एक दिन की? 1000 रुपये 500 थी. अगर बोलर को कोच कह देता था चौथा ओवर कराओ तो वो बैठ जाती थी कि 500 में इतना ही होता. एब्सोल्युटली कहते हैं 500 में इतना ही होता है बस. यार जवेरिया, तुम मैं ना बिल्कुल एक जैसे ही. अच्छा. हाँ, मैंने PIA से कहा था 500 रुपया देते थे मुझे. 92 की बात कर रहा हूँ, तो 93 में मुझे ट्रायल हुआ तो मुझे 500 रुपये देते थे. कहते थे यार कि जाके तेज बॉलिंग करो. मैं क्या 500 रुपये में तेज बॉलिंग होती? नहीं होती. नहीं होती. होती नहीं है. होती जो है वो इसलिए होती है कि भाई पैसे लगा, जीरो और लगा दो आगे. So, आप क्या अपने डिड यू फाइट फॉर योर राइट्स कि यार हमारे पैसे बढ़ाओ, हम भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना ये जेंडर इंपॉर्टेंट है? ये बात रूज क्यों नहीं समझा पाते आप लोग? जरा आप इस बारे में थोड़ा वोकल हो जाए जरा. देखिए, वोकल तो खैर बहुत सारे सिनारियोज में, बहुत सारे सिचुएशंस में हो होकर अब विमेंस क्रिकेट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ आप उसको प्रोफेशनल इन पाकिस्तान कह सकते हैं. बट मैंने तो बहुत ही अर्ली ईयर्स में खेला था. PCB के अंडर क्रिकेट शुरू हुई थी 2005 में. तो वहाँ पर जो है आपको ये सारी फाइट्स लड़नी पड़ती थी कि पहले हमें ग्राउंड ही दे दो. हाँ. हमें बल्ले और बॉले ही दे दो, कोच दे दो. हाँ. ट्रेनर दे दो. तो उस वक्त तो यही लड़ाई थी आपकी कि किट हमें कोई ढंग की दे दो. तो उस वक्त ये लड़ाइयाँ होती थी कि डेली अलाउंस को ऐसा ऐसा बढ़ाओ. कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात थी. फ्लाइट्स बेहतर कर दो. तो बेसिक्स, तो उस वक्त मैं जिस वक्त खेली उस वक्त तो हम बेसिक्स के लिए लड़ते थे. उस वक्त तो सेफ ग्राउंड ही ढूंढना बहुत मुश्किल होता था. तो हमें पता नहीं कोई थर्ड फोर्थ ग्रेड सिटीजन वाले ग्राउंड्स मिलते थे शुरू में खेलने के लिए.
थिंग्स बिकेम बेटर, बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। और अब कैसा है जवेरिया अरुज, अब कैसा है? अब तो काफी बेहतर है, इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, स्टिल अ लिटिल स्लो, लेकिन उस तरफ हम चले गए हैं, तो अब काफी ज्यादा बेहतर है, पहले से तो बहुत बेहतर है। और ये चेंज आया एशियन गेम्स में, जब गोल्ड मेडल हमने लिया तो फिर हमें रिकग्निशन मिलने लगी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह। भाई किसी की मेहनत होती है फल कोई खाता है, लेकिन आज की लड़कियां ये मत भूलें जवेरिया और अरुज ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया है। बेस सेट की थी, बेस लाइन सेट की थी, और इसके साथ साथ ये बेस बनते बनते स्ट्रगल उन्होंने बहुत की, लेकिन हमारी स्ट्रगल का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, सी यू इन अ ब्रेक। रेस में काम किया था, ओके, ओह नो, आंसर है मैम इश्तियाक सबा कमर और मायरा खान। नकल नकल मार रही है रूज मुमताज। वेलकम बैक शोएब अख्तर शो 2.0 में 2.0 ना 2 2 2 प्लस, लेकिन हमारे पास हैं सिर्फ अकलमंद खातून। नकल हम करेंगे, अकल आप दिखाएंगी, अकल या नकल आपके पास बोर्ड है हाथों में उठा लीजिए। चलें जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने ठीक ठीक जवाब लिख के मुझे सामने कैमरे कैसे करके दिखा देना है कि ये जवाब ठीक है कि नहीं। Yes, madam. भाई इन्होंने जितनी बंक किया तो ये चीटिंग ना करें बस। ओहो, she is not a cheetah. Okay. अरुज मुमताज, she is not a cheetah. मलाला यूसुफ़ज़ई ने नोबल प्राइज, या अल्लाह, या अल्लाह, नोबल प्राइज का इनाम कब जीता था? 2014, 2000 में या 99 में? अपना आंसर हमें दिखाइए। 2014 अकल के साथ ये जीती गई है, मलाला यूसुफ़ज़ई इज नोबेल प्राइज विनर ऑफ 2014 ऑब्वियसली। अच्छा जी, वो कौन सी पाकिस्तानी एक्टर थी जिन्होंने रेस में काम किया था? ओके, नो, आंसर है मैम इश्तियाक सबा कमर और मायरा खान। नकल